एवरीवन, मैं वीनू आपकी इकोनॉमिक्स टीचर आज आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट सी ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड। ये इस पार्ट का आपके पास लास्ट सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के बारे में, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि मेरी इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल डिमांड के बारे में तो इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, अकेला। तो इंडिविजुअल डिमांड वो क्वांटिटी होती है एक कॉमोडिटी की या फिर एक प्रोडक्ट की दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस during a given period of time। मतलब जहां पर हम लोग बात करते हैं एक अकेले बंदे के बारे में कि मैं अकेली बंदी वीनू, मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ इस पेन की या इस चेयर की या इस एसी की, सिर्फ मेरे डिमांड के बारे में बात हो रही है, तो उस केस में वो जो डिमांड, मेरी जो डिमांड होगी उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो एक अकेला कंज्यूमर खरीदना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस डिमांड को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इस डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, एक ऐसा टेबल जो कि मुझे ये बताए वेरियस प्राइस के ऊपर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है। जब हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को टैबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं, उस टैबुलर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम एक कंज्यूमर के बारे में टैबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं कि अलग अलग प्राइस के ऊपर वो कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा, उस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। से फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये टेबल बना हुआ है जहाँ पे प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड है और जहाँ पे हम लोग एक कंज्यूमर एज्यूम कर रहे हैं जिसका नाम है मोनो। जब मार्केट में प्राइस 10 था, मोनो डिमांड कर रहा था 100 यूनिट्स। जब मार्केट में प्राइस 20 हो गया, मोनो डिमांड कर रहा था 80 यूनिट्स। जब मार्केट में प्राइस 30 हो गया, मोनो डिमांड कर रहा था 50 यूनिट्स। ये एक ऐसा टेबल है जो कि मुझे ये बता रहा है कि अलग अलग प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर मोनो वो कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं मोनो का एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हमारे पास मोनो है। यहाँ आप देख सकते हो कि प्राइस हमारे पास बढ़ रहा है तो मोनो जो है वो अपनी डिमांड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम इस शेड्यूल को ग्राफ की फॉर्म में बताते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब मोनो की डिमांड को हम लोग ग्राफ की फॉर्म के अंदर बताएंगे उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एक ऐसा कर्व जो कि मुझे ये बताता है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के ऊपर, वेरियस प्राइस के ऊपर कितनी कितनी क्वांटिटी को डिमांड करेगा, उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे आपके वाई एक्सिस पे दे रखा है आपको प्राइस और आपकी एक्स एक्सिस पे दे रखा है आपको क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर जब प्राइस 10 था, मोनो डिमांड कर रहा था 100 यूनिट्स। जब प्राइस 20 हो गया, मोनो डिमांड कर रहा था 80 यूनिट्स। जब प्राइस 30 हो गया, मोनो डिमांड कर रहा था 20 पे 80 एंड 30 पर 50। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे एक कर्व निकल कर आएगा। ये कर्व मुझे सिर्फ बता रहा है मोनो की डिमांड के बारे में, तो ये कर्व मेरे पास हुआ इंडिविजुअल
डिमांड कर्व, एक ऐसा कर्व जो कि मुझे एक इंडिविजुअल बायर के बारे में बताता है कि एक बायर अलग अलग प्राइस के ऊपर कितनी कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है। उस इंडिविजुअल डिमांड कर्व, उस कर्व को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डन। सो इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड जो कि एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में हमको बताती है, उस डिमांड को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। एक ऐसा टेबल जो कि मुझे इंडिविजुअल के बारे में बताता है, उस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक ऐसा कर्व जो मुझे ग्राफ की फॉर्म में बताता है कि एक अकेला कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है वेरियस प्राइस के ऊपर, उस कर्व को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वहीं दूसरी तरफ मार्केट, मार्केट का मतलब होता है हर कंज्यूमर के बारे में बात हो रही है, पूरे के पूरे मार्केट के बारे में बात हो रही है, एक अकेले बंदे के बारे में बात नहीं होती। तो मार्केट डिमांड आपके पास क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और अ प्रोडक्ट दैट ऑल द कंज्यूमर, सारे के सारे कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और यू कैन से ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्वांटिटी जो कि सारे के सारे कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। मतलब यहाँ सिर्फ मेरे बारे में नहीं बात हो रही, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जितने भी आपके कंज्यूमर होते हैं वो खरीदना चाहते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो क्वांटिटी जो कि सारे के सारे कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं एक गिवन प्रोडक्ट की, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। इस मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल लेकर आते हैं। शेड्यूल अगेन इट्स नथिंग बट टेबुलर प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम टेबुलर की फॉर्म में बताते हैं कि वेरियस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे। यहाँ पर जो डिमांड होती है मार्केट डिमांड, इट्स नथिंग बट समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जब हम इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करेंगे तो हम किसके पास पहुँच जाएंगे मार्केट डिमांड के बारे में। इसको समझने के लिए हम नीचे टेबल को देखते हैं। टेबल के अंदर आपका जो प्राइस है वो कम हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली जितने भी कंज्यूमर होंगे मार्केट में उनकी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर तीन कंज्यूमर हैं, मोना, नोना एंड शोना। मोना जो डिमांड कर रही है वो आपके पास डिमांड कर रही है से फॉर एग्जांपल 20 एट प्राइस 10, मोना डिमांड कर रही है 30, 40, 50। ये मोना की डिमांड है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पर, जब प्राइस क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था। आपके पास एक और कंज्यूमर है नोना, नोना के बारे में अगर हम लोग बात करें, जब प्राइस 10 था नोना डिमांड कर रही थी 40, देन 50, देन 60 एंड से फॉर एग्जांपल 80। उसके बाद जो कंज्यूमर है वो है आपके पास सोना, जो कि डिमांड कर रही थी आपके पास 50 60, 70 एंड 80। अब ये आपके पास जो मोना, नोना, शोना दे रखे हैं, इन ये तीनों आपके पास अलग अलग कंज्यूमर है। जब हम इन तीनों की डिमांड को मिलाएंगे, अगर मैं बोलूं मोना, नोना, सोना एट प्राइस 10, वो लोग जो मार्केट में डिमांड कर रहे हैं वो आपके पास आएगी 110, 20 प्लस में 40 प्लस में 50 एट प्राइस 8। इन तीनों की डिमांड को अगर मिलाया जाए तो आपके पास जो डिमांड निकल कर आएगी दैट इज माय 140।
at price 6 तीनों की डिमांड को मिलाया जाए तो आपके पास डिमांड आएगी 170. At price 4 तीनों की डिमांड के बारे में अगर बात की जाए तो आपके पास डिमांड आएगी 210. तो आपके पास यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में जब प्राइस फॉल हो रहा है तो आपकी मार्केट में डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है. इस टेबुलर फॉर्म को जहाँ पर आप बताते हो कि मार्केट में आपके कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, उस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. जब इस मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व. एक ऐसा कर्व जो कि मुझे ये बताता है कि वेरियस प्राइस लेवल पर सारे के सारे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कितना डिमांड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व. से फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस और मोना के बारे में बात करें तो जब प्राइस 10 था मोना डिमांड कर रही थी 20. प्राइस जब 10 था मोना की डिमांड थी 20. प्राइस जब 8 था मोना की डिमांड थी 30. और प्राइस जब 6 था मोना की डिमांड थी 40. प्राइस 4 पे मोना की डिमांड थी 50. जब हम इस कर्व को मिलाएंगे ये जो आपके पास कर्व निकल कर आएगा, ये जो कर्व बना है ये आपके पास बना है मोना का. अगर हम बात करें नोना के बारे में, जब प्राइस 10 था नोना डिमांड कर रही थी 40. जब प्राइस 10 था नोना डिमांड कर रही थी 40. जब प्राइस 8 था नोना डिमांड कर रही थी 50. 6 पे डिमांड कर रही थी 60. और 4 पे डिमांड कर रही थी 80. इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये जो कर्व आपके पास निकल कर आएगा, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ नोना. शोना के बारे में अगर बात करें तो प्राइस 10 पे शोना डिमांड कर रही थी 50. एट पे शोना डिमांड कर रही थी 60. सिक्स पे शोना डिमांड कर रही थी 70. और फोर पे शोना डिमांड कर रही थी 80. जब हम इन कर्व्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो कर्व निकल कर आएगा, ये जो कर्व बना है ये आपके पास बना है शोना का. ये जो तीनों कर्व हैं ये आपके पास कर्व हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि ये मोना के बारे में, नोना के बारे में और शोना के बारे में बता रहे हैं. बट वहीं अगर हम लोग मार्केट के बारे में बात करें तो जब प्राइस 10 था मार्केट में डिमांड थी 110. जब प्राइस 10 था मार्केट में डिमांड थी 110. जब प्राइस 8 था मार्केट में डिमांड थी 140. जब प्राइस 8 था मार्केट में डिमांड थी 140. 6 पे मार्केट में डिमांड है आपके पास 170. 4 पे मार्केट में डिमांड है आपके पास 210. ये जो आपके पास कर्व निकल कर आया है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व. ये कर्व समीशन है आपके इंडिविजुअल डिमांड का. इस कर्व को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व, जो कि हमें ये बताता है कि जितने भी कंज्यूमर हैं वो कितना डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एट वेरियस प्राइस लेवल. यहाँ पर आपके पास इंडिविजुअल कर्व जो होंगे वो उनको हम लोग बोल, ये आपका स्टीपर होगा, और जो मार्केट डिमांड कर्व होंगे वो आपके पास फ्लैटर होगा. अगर आपसे कोई रीज़न पूछे कि फ्लैटर क्यों होता है, बिकॉज इट नथिंग बट समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, दैट इज़ वाई आपका मार्केट डिमांड कर्व जो होगा वो फ्लैटर आएगा. स्टीपर अगर कोई आपकी जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है, अगर कोई कर्व आपके पास स्ट्रेट बना हुआ है उस कर्व को हम लोग बोलते हैं स्टीपर. अगर कोई लेटा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैटर. मार्केट डिमांड कर्व आपके पास कैसा कर्व होगा, फ्लैटर. दिस इज माय मार्केट डिमांड. सो मार्केट डिमांड
वो क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की, एक कमोडिटी की, जो कि सारे के सारे कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं एट वेरियस प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मार्केट डिमांड शेड्यूल, वो शेड्यूल, वो टेबल जो कि मुझे ये बताता है अलग अलग प्राइस के ऊपर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है बाय ऑल द कंज्यूमर. मार्केट डिमांड कर्व, एक ऐसा कर्व जो कि मुझे ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है बाय ऑल द कंज्यूमर ऑफ अ प्रोडक्ट. इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड. ये तो हमारे पास है बेसिक, वही जो सेम हम कर रहे थे, दैट इज डिमांड शेड्यूल एंड कर्व. सेम हमारे पास आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. तो जहां हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करते हैं तो आपके फैक्टर्स सेम रहेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने पार्ट बी के अंदर ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड. वो सारे के सारे फैक्टर्स जैसे आपका प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, जहां हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाएगी कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. और अदर फैक्टर्स के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास थे रिलेटेड गुड्स, जो डिवाइड थे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो डिवाइड था आपके पास फेवरेबल और अनफेवरेबल, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस. ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके पास सेम रहेंगे जो हम लोगों ने पढ़े थे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इन पार्ट बी. ये आपके पास 5 फैक्टर्स हैं. इसके साथ हमारे पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड. वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेरी मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. अगर मैं आपको शेड्यूल के पास लेकर जाऊं तो अगर नोना की डिमांड चेंज हो गई, बढ़ गई एट प्राइस 8, तो आपके पास मार्केट की डिमांड भी चेंज हो जाएगी. अगर से फॉर एग्जांपल सोना की डिमांड कम हो गई, चेंज हो गई आपके पास से फॉर एग्जांपल 85, तो आपकी मार्केट की डिमांड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो इसका मतलब अगर मेरी इंडिविजुअल डिमांड के अंदर चेंज आता है तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा मेरी किसके ऊपर, मार्केट डिमांड के ऊपर. अगर मेरी इंडिविजुअल डिमांड में चेंज आएगा तो वो इफेक्ट करेगा किसके ऊपर, मार्केट डिमांड के ऊपर. इसीलिए वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल डिमांड में हैं, दैट इज माय प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो आपके पास सेम रहेंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके इन आवर पार्ट बी ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड. ये सारे के सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स मेरी मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करेंगे. फर्क सिर्फ इतना होगा, जहां हम पहले ये बोल रहे थे कि डिमांड बढ़ जाएगी या डिमांड कम हो जाएगी, वहां पे हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी या फिर मार्केट डिमांड कम हो जाएगी. प्राइस अगर बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी. सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ गया तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी. अगर इनकम बढ़ गई नॉर्मल गुड्स के कंटेंस में तो आपके मार्केट में नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. सेम फैक्टर. इसके अलावा ये 5 फैक्टर्स के अलावा आपके पास बाकी फैक्टर्स भी आते हैं जो कि मेरी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिसमें से पहला आपके पास फैक्टर है दैट इज साइज और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है मार्केट में तो उसकी डिमांड जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. से फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की, किसी एरिया की, किसी स्टेट की अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो मार्केट के अंदर उसकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. या फिर अगर आपके प्रपोर्शन में मेजॉरिटी जो है वो वुमेन की पॉपुलेशन की है
तो इस एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो वुमेन के प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मार्केट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज माय सिक्स फैक्टर विच अफेक्ट मार्केट डिमांड। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। आपके पास सेवेंथ फैक्टर भी होता है जो कि है आपके पास सीजन और वेदर। सीजन चेंज होता है, से फॉर एग्जांपल आपका विंटर है तो विंटर के अंदर विंटर्स के क्लोथ की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोना ही विंटर के क्लोथ पहनेगी, नोना और शोना नहीं पहनेगी। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर अगर विंटर है तो मार्केट में चेंज होने की वजह से, एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर समर है तो ऑब्वियसली समर के क्लोथ्स की जो डिमांड होगी वो एक कंज्यूमर नहीं बल्कि सारे के सारे कंज्यूमर चेंज करेंगे। तो आपका ये सीजन एंड वेदर एक ऐसा फैक्टर है जो कि हर किसी कंज्यूमर की डिमांड को किसी ना किसी वे के अंदर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगर विंटर है तो विंटर के क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर समर है तो समर की क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी और विंटर्स की क्लोथ की डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज माय सेवेंथ फैक्टर विच अफेक्ट माय मार्केट डिमांड। इसके बाद एक लास्ट फैक्टर आपके पास आता है, दैट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपके पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, या तो होगा अनइक्वल या होगा आपके पास इक्वल। जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से डिवाइड है, कितनी इनकम रिच के पास है और कितनी इनकम पुअर के पास है। अगर ये इनकम अनइक्वल डिवाइड है, मतलब रिच के पास है तो बहुत ज़्यादा है और पुअर के पास है तो बहुत कम है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में अनइक्वल है तो मार्केट के अंदर रिच के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी जो डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्रपोर्शन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो आपके मार्केट के अंदर जो है वो रिच के प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ अभी मैं रिच प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। अगर प्रपोर्शन जो है वो इक्वल है, मतलब रिच का पैसा और पुअर के पास जो पैसा है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इस केस के अंदर रिच के पास, रिच के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो डिमांड है वो मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिच का पैसा किसके पास शिफ्ट हो रखा है अभी के लिए, पुअर्स के पास, मतलब उन लोगों के पास जिनके पास पैसा पहले नहीं था। तो उनसे लेकर पैसा किसको दे दिया गया, पुअर्स को दे दिया गया। तो पुअर्स के पास जब रिच के पास पैसा कम हो गया तो इनके प्रोडक्ट जो जैगुआर है, ऑडी है, जो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं, इनकी जो मार्केट में डिमांड है, मार्केट में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये मेरे पास एथ फैक्टर है जो कि मेरी डिमांड को, मार्केट डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर आपके पास ये आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड, तो आप फर्स्ट से लेकर एट पॉइंट तक, दैट इज योर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन फैक्टर एंड योर लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। बट अगर आपके पास आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड ओनली, जो सिर्फ मेरी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट नहीं करता, तो उसके अंदर आप पहला लोगे दैट इज योर पॉपुलेशन, देन सीजन पहला पॉइंट एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओनली पूछा हुआ है कि सिर्फ मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल डिमांड को नहीं, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करोगे। सो दीज आर माय फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं आपकी मार्केट डिमांड को और इंडिविजुअल डिमांड को। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट
कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर इसमें चेंज आया, फैक्टर्स में चेंज आया, अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फैक्टर्स कौन से, प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक्सेट्रा, अगर इन फैक्टर्स में चेंज आता है तो मेरी डिमांड किस तरीके से चेंज होगी, चेंज होगी चेंज नहीं होगी, ज़्यादा चेंज होगी कम चेंज होगी एक्सेट्रा। इस रिलेशनशिप को जो शो करता है उस फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि मुझे ये बताता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिमांड के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है ज़्यादा है कम है, ये सारे रिलेशन जो शो करता है उस डिमांड फंक्शन को हम लोग, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है ये आपके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक होता है आपके पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक आपके पास होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मुझे एक रिलेशनशिप बताता है कि इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। मतलब अगर मैं बात करूँ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये पांच तरीके के फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे, पांच तरीके के फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि मुझे ये बताता है कि इन फैक्टर्स में अगर चेंज आता है तो एक इंडिविजुअल डिमांड किस तरीके से चेंज होगी, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा फंक्शन जो कि मुझे ये बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है मुझे बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मतलब अगर फैक्टर्स में चेंज आया तो मेरी मार्केट डिमांड में किस तरीके का चेंज आता है, वो जो फंक्शन बताता है उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सेम द प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस, इसके साथ साथ आपका इफेक्ट करता है दैट इज योर पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सीजनल फैक्टर। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि सिर्फ मेरी मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो आपका मार्केट डिमांड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कि मुझे रिलेशनशिप बताता है कि अगर मेरे फैक्टर्स में चेंज आता है, अगर इनकम चेंज हो गई, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज हो गया आप लोगों के पास, तो उस केस के अंदर आपकी मार्केट डिमांड के ऊपर किस तरीके का चेंज आएगा, उस फंक्शनल रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। तो ये आपके पास था डिमांड फंक्शन। इसके साथ आपका ये मेन क्रस जो है इस चैप्टर का वो ख़त्म हो गया है, आपका ये एंड हो चुका है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट सी। सो इसमें पार्ट थ्योरी ऑफ डिमांड में बेसिकली आप लोगों के पास आपके डिमांड की डिफाइन है, आपके शेड्यूल की डिफाइन है, आपके कर्व्स की डिफाइन है, ये सारे हम लोगों ने इंडिविजुअल एंड मार्केट के रिस्पेक्ट में आपको दोनों पढ़ने हैं, प्लस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मेरी इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं,
वो हम लोगों ने पढ़े थे, प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड योर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देन सीजनल फैक्टर. ये फैक्टर्स हैं और इसके साथ आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड आपने मूवमेंट की थी और इसके साथ शिफ्ट किया था. ध्यान रखना, मूवमेंट होती है प्राइस के चेंज होने की वजह से और शिफ्ट होता है अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से. प्राइस जब चेंज होता है तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और अदर फैक्टर्स जब चेंज होता है तो प्राइस आपके पास कैसा रहता है, कांस्टेंट. ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने किया है अपने थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर एंड विद दिस आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.